नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ चुकी है क्योंकि बिहार में जो महागठबंधन की महासभा हुई है उसके बाद काफी कुछ बड़े आंकड़े बदल रहे हैं क्योंकि यूपी से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं और ऐसे में इस बार क्या महागठबंधन बनेगा, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है लोकसभा चुनाव की 80 सीटों को लेकर मायावती जी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती हैं, जो सबसे बड़ी खबर यहां निकलकर सामने आ रही है। और ऐसे में किस कार की रणनीति यहां दिखाई दे रही है क्योंकि प्रियंका गांधी अब यहां पर सक्रिय तौर पर नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश तय करता है कि आखिर 2024 की क्या तस्वीर बन सकती है और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश को लेकर जिस कार की अब यहां पर तैयारी है और जिसमें महागठबंधन में जो बड़ी बड़ी विपक्ष की पार्टी रही हैं वो एक साथ आई हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर बन सकती है, क्योंकि इस बार बीजेपी टारगेट 80 सीटों का कर रही है, यानी सभी सीटों पर अगर जीत हासिल करती है तो फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में 80 सीटों में से 64 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तो इस बार वो 16 सीटें जो बीजेपी आ रही थी उन सीटों पर भी फोकस करते नजर आ रही है। तो क्या बीजेपी 80 सीटें हासिल कर पाएगी या उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बनेगा, बीएसपी समाजवादी पार्टी और इस बार कांग्रेस भी शामिल हो सकती है, क्योंकि इससे पहले हुए निकाय चुनाव में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है और इस उत्तर प्रदेश के लिए सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था, जिसमें बीजेपी ने यहाँ पर सभी मेयर यहाँ पर हासिल किए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर नगर निगम चुनाव भी महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी टारगेट 80 सीटों में से 16 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल इलाकों से आती हैं, जिसमें बिजनौर में 45% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि मुरादाबाद में 48% और नगीना में या 43% संबल और 43% या सहारनपुर, अमरोहा में 38% और 10% या गाजीपुर से या मुस्लिम वोट बैंक आते हैं। और इन्हीं सीटों पर बीजेपी ज्यादा फोकस करती नजर आ रही है और क्या बीजेपी को इस बार मुस्लिम वोट बैंक मिल पाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको बता दें कि आखिर मुस्लिम वोट बैंक की पसंद जो है वो किस पार्टी की तरफ ये जाते हैं, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर मटराइज रखे हैं जो बड़ी एजेंसी रही है सर्वे के हिसाब से, बीजेपी को 9% यहाँ जो है लोकसभा चुनाव हो या फिर अन्य चुनाव हो, उत्तर प्रदेश की जनता या बीजेपी को 9% मुस्लिम वोट बैंक जाता है, जबकि समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 68% यहाँ वोट जाता है, बीएसपी को 17% और अन्य के खाते में 6% वोट शेयर जा सकता है, जो अनुमान यहाँ मुस्लिम वोट बैंक की पसंद को लगाया है, क्योंकि यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या बीजेपी यहाँ बड़ा उलटफेर करेगी? सीएम के तौर पर अगर कार्यकाल देखा जाए तो किसका कार्यकाल बेहतर रहा है? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ अखिलेश यादव ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने 5 साल का पूरा कार्यकाल किया है, तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में क्या एक बार फिर से बड़ी जीत की तरफ बढ़ेंगे, इस पर देखिए हाँ कहने वाले 42% लोग नजर आ रहे हैं, कल्याण सिंह या 17% और मायावती जी का जो कार्यकाल रहा उसमें 15% लोगों का मानना रहा है, जबकि अन्य यहाँ पर जो है उम्मीदवार जिसमें अखिलेश यादव भी आते हैं तो एक बड़े तौर पर यहाँ योगी आदित्यनाथ जी उभरते नजर आ रहे हैं, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को किस यहाँ पर समुदाय का वोट गया था उसकी अगर तुलना की जाए तो यहाँ ज्यादा वोट बैंक बीजेपी को 23% रहा था, जबकि महागठबंधन को 60% वोट शेयर रहा था। कुर्मी यहाँ पर 80% बीजेपी के पक्ष में रहे थे, 14% महागठबंधन के पक्ष में, अन्य ओबीसी यहाँ 72% बीजेपी के पक्ष में, जबकि 18% महागठबंधन के पक्ष में, जाटा वोट बैंक बीजेपी को 7%, जबकि 75% महागठबंधन के पक्ष में रहे थे, अन्य दलित यहाँ 48% बीजेपी और 42% महागठबंधन के पक्ष में आंकड़ा रहा था। इस तरह से अगर बात की जाए तो 2019 को लेकर काफी कुछ आंकड़े बदल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की अब सदस्यता यहाँ रद्द हुई है उसके बाद काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उसका भी फायदा उनको मिला है, लेकिन उपचुनाव की अगर बात की जाए तो इससे पहले जो यहाँ पर मैनपुरी में उपचुनाव था वहां पर यह समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, डिंपल यादव यहाँ से सांसद बन चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या महागठबंधन एक बार फिर से बनेगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीएसपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इस बार महागठबंधन उत्तर प्रदेश में बन सकता है, जो खबर निकल कर आ रही है। और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा 2024 के लिए, क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती हैं और ये उत्तर प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का क्या आंकड़ा बन सकता है, तो शुरुआत करते हैं पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों में, जिनमें महत्वपूर्ण जिले आते हैं सहारनपुर, कैरेना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, संबल, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर,
बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुर, ईटा, बदायूं, आमला, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर, ये वो जिले हैं जो कि पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों पर असर डालते हैं। और यहाँ की जनता किसके पक्ष में आंकड़ा दे सकती है, जो यहाँ पर मटराइज का ओपिनियन पोल है पश्चिमी यूपी रीजन की 27 सीटों के लिए, इसमें बीजेपी को 18 से 23 सीटें जा सकती है, समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीट, बीएसपी को 0 से 1, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी पश्चिमी यूपी रीजन के लिए 27 सीटें जो आती हैं, जो कि किसान बहुल, क्योंकि इस बार फिर से किसान यहां सक्रिय तौर पर नजर आ रहे हैं, और यहां बीजेपी को करीब यहां पर 18 से 23 सीट मिल सकती हैं। जबकि बुंदेलखंड रीजन की 4 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 58% वोट शेयर जा सकता है, समाजवादी पार्टी को 19%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 5 और अन्य के पक्ष में 7% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो बुंदेलखंड रीजन की 4 सीटों में से बीजेपी सभी 4 सीटों पर भी जीत हासिल कर सकती है, समाजवादी पार्टी 1 सीट पर कड़ी टक्कर दे सकती है 1 सीट पर, बीएसपी, कांग्रेस भी यहां पर ही कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस का महागठबंधन बन सकता है, फिर आंकड़ा बदल भी सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अवध रीजन की 23 सीटें उत्तर प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य है, और इस पर अगर अवध रीजन की बात की जाए तो जिस कार से 23 सीटें आती हैं ये निर्णायक मानी जाती हैं। और यहां देखिए बीजेपी को 63% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी 18, बीएसपी 10%, कांग्रेस को 7%, अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जा रहा है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर आंकड़ा फिर से बदल रहा है, या बीजेपी को या बंपर जीत मिल सकती है, 18 से 23 सीट है, क्लीन स्वीप भी कर सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी 1 सीट पर कड़ी टक्कर, 1 सीट पर बीएसपी, 102 सीटों पर या कांग्रेस भी कड़ी टक्कर दे सकती है, इनके पक्ष में 0 सीट जा सकती है। नियाबद रीजन को लेकर यहाँ बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिलता नजर आ रहा है, राम मंदिर निर्माण का जो कार्य है उसका फायदा यहाँ मिलता नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव में किसे कितनी सीट पर, पूर्वांचल रीजन की 26 लोकसभा सीटों पर मटराइज के जो आंकड़े, उस हिसाब से यहाँ बीजेपी को 64% वोट शेयर जा सकता है, समाजवादी पार्टी 15, बीएसपी 16, अन्य के पक्ष में या 2%, कांग्रेस को 3% वोट शेयर जा सकता है। यानी पूर्वांचल रीजन में वोट शेयर के मामले में बीजेपी काफी आगे दिखाई दे रही है। उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो फिर बीजेपी यहाँ पर भी करीब 18 से 23 सीट, समाजवादी पार्टी 1 से 3 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है, बीएसपी 0 से 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी पूर्वांचल रीजन को लेकर भी बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी यहां पर कड़ी टक्कर दे सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं उस पर जो मटराइज ने अपने आंकड़े रखे हैं 80 लोकसभा सीटों के लिए, इस पर बीजेपी को करीब 63% वोट शेयर, फाइनल आंकड़ा जो 80 सीटों के लिए है, समाजवादी पार्टी को 19%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 4, अन्य के पक्ष में 3% वोट शेयर जा सकता है। यानी यहां पर वोट शेयर के मामले में तो बीजेपी काफी आगे दिखाई देती है, लेकिन जब सीटों की बात की जाए तो फिर देखिए आंकड़ा क्या बन रहा है। 80 लोकसभा सीटों का जो फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ रहा है इसमें बीजेपी 67 से 73 सीटें जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 306 सीट, बीएसपी 0 से 4 सीट, कांग्रेस 1 से 2, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी जो दावा कर रही है कि सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी उसके आसपास दिखाई दे रही है। यानी 2019 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है, उसका फायदा लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी, बीएसपी, क्या कांग्रेस का महागठबंधन बनेगा, फिर आंकड़ा बदल सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर अपने अपने दम पर चुनाव लड़ रही है पार्टियां, तब आंकड़े हैं। लेकिन जब महागठबंधन बनेगा तो फिर मामला बिगड़ सकता है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो अगर आज उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव भी हो जाता है तो फिर आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में 49% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 35% वोट शेयर, बीएसपी 11, कांग्रेस 1 और 1 अन्य के पक्ष में 4% वोट शेयर जा सकता है। यानी उत्तर प्रदेश के लिए विधानसभा चुनाव की भी बात की जाए तो यहाँ 403 सीटों के जो आंकड़े उसमें बीजेपी करीब 300 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी 100 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है, बीएसपी 5, कांग्रेस 1 से 2, अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट जा सकती है। यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों ही चुनाव अगर होते हैं तो फिर बीजेपी को यहाँ बंपर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जो उत्तर प्रदेश को लेकर अनुमान दिखाई दे रहा है जो मटराइज ने यहाँ ओपिनियन पोल जारी किया है। तो उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी का कमल खिलेगा या अन्य या विपक्ष की वापसी होगी, इस पर अपने रख सकते हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को ही माना जाता है कि केंद्र को रास्ता यहां से जाता है और सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर रही हैं। उसके बाद क्या कुछ आंकड़े बनेगा, किस प्रकार की चुनावी जनसभाएं होंगी,
क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नेतृत्व में यह लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा या योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, प्रिय रख सकते हैं? मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाएं जय भारत।